के अंदर लाखों की तादाद में बिलो पॉवर्टी लाइन के मुसलमान यहाँ पर मौजूद हैं, मगर वक्फ बोर्ड सिर्फ 2000 पैकेट दे रहा है। ये मतलब नहीं है कि वक्फ बोर्ड 2000 पैकेट दे रहा। जुमेरात के दिन हम अभी बैठ के डिस्कशन। खुशामदीद नाज़रीन, मैं सैयद गौस मुहिउद्दीन आपका IND टुडे पर खैर मकदम करता हूँ। यूं तो होती है हर न्यूज पर आपकी नजर, हम देते हैं रोजाना आपके लिए खास खबर। चलिए जानते हैं आज की खास खबर। रियासती वक्फ बोर्ड औकाफी जायदादों और मलकियात के एतबार से सबसे ज्यादा दौलतमंद इदारा है और उसकी आमदनी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए है। अब उसने लॉकडाउन से परेशान हाल गरीब मुस्लिम खानदानों के लिए राशन पानी का इंतजाम किया है। 20 लाख रुपए की मालियत के गजाई अजनास के पैकेट 2000 अफराद में तकसीम करने के लिए हजार डांपल्ली से गाड़ियां निकल गई हैं, जो मुख्तलिफ मोहल्लों को पहुंचकर मुस्तैक खानदानों में ये अनाज तकसीम करेंगी। वज़ीर दाखला महमूद अली ने इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम, अरकान वक्फ बोर्ड मौलाना निसार हैदर आगा, मोहम्मद वहीदुद्दीन एडवोकेट के अलावा नामपल्ली क्रिकेट असम्बली जाफर हुसैन मिराज और दूसरे भी मौजूद थे। वक्फ बोर्ड देर से सही लेकिन जागा तो है। 30 लाख से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले शहर में 20 लाख रुपए की इमदाद अगरचे के ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, मगर कुछ काम तो अच्छा हुआ है। IND टुडे के नुमाइंदे के सवाल पर मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जुमेरात 9 अप्रैल को वक्फ बोर्ड के इजलास में बड़े पैमाने पर रिलीफ के प्रोग्राम पर गौर खोज किया जाएगा। मजलिस रुकन असेंबली जाफर हसन मिराज ने भी वक्फ बोर्ड पर जोर दिया कि वो गरीब मुस्लिम खानदानों की इमदाद के लिए आगे आए। उन्होंने बताया कि 20 लाख रुपए की इमदाद नाकाबिल फहम है क्योंकि बोर्ड की आमदनी करोड़ों रुपए है। 2000 किट जो है ना, हर एरिया में 100-100 किट जो है बांटने के लिए जो है ना वक्फ बोर्ड एक डिसीजन लेके, तो मंशा वक्फ के हिसाब से जो अकाउंट में मंशा वक्फ के हिसाब से जो गरीबों की इमदाद कर रहे हैं वो अकाउंट से पैसे निकाल कर, ये आज जो करोना वायरस के जो हालात में हम कोई बेरोजगार है, ये तो गवर्नमेंट भी फुल सपोर्ट कर रही है पैसों से, हर चीज़ से, बैंक से, और अपने राशन भी जो है ना फ्री देने का महमूद भी बताएंगे आप लोगों को, और हर कोई भी जो है ना राशन वगैरह हर किसी को मिल रहा है इंशाल्लाह ताला। वक्फ बोर्ड से जो है ना एक मीटिंग हम लोग बुलाकर जो है ना और भी डिसीजन लेके, और हालात जैसे रहेंगे उसी तरीके से हम लोग अच्छे से अच्छे पैमाने पर जो है ना काम करेंगे, क्योंकि KCR साहब भी जो है दिल खोल के जो है ना उन्होंने भी गरीब आवाम के लिए जो मदद करना है कर रहे हैं, और करोना वायरस के लिए भी जो डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्शन दिए और हाइजेनिक तरीके से जो हॉस्पिटल्स को भी मेंटेन कर रहे हैं और डॉक्टर्स को भी और दवाएँ वगैरह मेडिसिन भी जो है ना अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं करोना वायरस के पेशेंट्स को, और वैसे भी जो है ना तेलंगाना में अपने पास बहुत कम था मगर कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा हुए हैं, मगर उससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आने वाले हालात जो है ना गवर्नमेंट पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। KCR साहब की सपोर्ट से जो है ना इंशाल्लाह कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों के लिए फ़ायदा रहेगा इंशाल्लाह। सेकुलर गवर्नमेंट है हमारी, कोई ऐसी बात नहीं है, और अल्लाह चाहे तो इंडिया में सबसे पहले हमारे KCR साहब लॉकडाउन एक रहे शॉपिंग मॉल और थिएटर्स बहुत से जगह जो है ना 15 को असम्बली 21 तक थी उसको प्रीपोन करके एडवांस में जो है ना 15-16 तारीख को असम्बली ख़त्म करके सब बंद का ऐलान कर दिए, और इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में जो है ना बहुत अच्छे से अच्छे इंतजाम रहेंगे, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका बजट कितना है, टेंडर किसको दिया था? 20 लाख रुपए का बजट हुआ है, एक 4 कोटेशन मंगाए जिसमें एक लो कोटेशन जो था एक 1097 रुपये का एक कोटेशन था, एक 1092 रुपये का एक था, 1000 चिल्लर का था, 1008 वालों को दिए, शालम जल्लर स्टोर बोल के नामपल्ली पे है वो लोगों को दिए, वो लोगों के थ्रू जो है ना 2000 पैकेट्स किट बनाकर एक एक किट जो है ना 100-100 किट्स एक एक एरिया में तकसीम कर रहे हैं। 2 किलो शक्कर, 1 किलो दाल, 2 किलो शक्कर, 2 किलो तेल और 10 किलो चावल और एक डेटॉल का साबुन और सैनिटाइजर का एक बॉटल और जो है ना 1/2 किलो मिर्ची, 100 ग्राम पत्ती, ऐसा तकरीबन आइटम्स जो है ना रखे सहूलत होना बोल के हम लोग करें इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में और अच्छे से। एक मिनट, ऐसा तो वक्फ बोर्ड क्लास काफ़ी परेशान है,
उसके लिए वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, कितने वक्फ मंच के जो है अपने प्रॉपर्टीज है और कितना उनसे रकम आया, कितना आप दे रहे हैं? जुमेरात के दिन हम लोग गंगा भी मीटिंग रखे हैं, बोर्ड की मीटिंग रखे हैं, उसमें डिसीजन लिखे कैसा कैसा करना क्या करना है। और गवर्नमेंट बड़े पैमाने पर काम कर रही, जितने तेलंगाना में जितनी पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन को गरीब आवाम को जो है ना पूरी सपोर्ट करने का गवर्नमेंट पूरा काम कर रही। आने वाले टाइम में आप लोग देखेंगे कोई भी परेशान नहीं रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर एक नज़र देख रहे हैं और गवर्नमेंट में अच्छे से अच्छा काम होगा। महमूद भाई, आज वक्फ बोर्ड की जानिब से राशन किट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा गया वक्फ बोर्ड के अंदर, जिसमें करीब 2000 राशन किट अतराफ अपना के हैदराबाद के जितने भी ग्रेटर हैदराबाद के MLA हैं उनके एरिया में 100-100 किट डिस्ट्रीब्यूशन किए जा रहे हैं। अभी एक सहाफ़ी साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि पूरे तेलंगाना के अंदर लाखों की तादाद में बिलो पॉवर्टी लाइन के मुसलमान यहाँ पर मौजूद हैं, मगर वक्फ बोर्ड सिर्फ 2000 पैकेट दे रहा है। ये मतलब नहीं है कि वक्फ बोर्ड 2000 पैकेट दे रहा। जुमेरात के दिन हम अभी बैठ के डिस्कशन कर रहे थे चेयरमैन साहब से, होम मिनिस्टर साहब से भी मैंने कहा, तो इंशाल्लाह ताला जुमेरात को एक बड़े पैमाने पे मीटिंग लेके मंशाए वक्फ के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो ये तरीके से अपना मंशाए वक्फ किए थे वो सब देखते हुए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये 2000 से बस नहीं होता। इंशाल्लाह ताला वक्फ बोर्ड आगे बढ़ के इसको हर आदमी को, क्योंकि ये जो अब जो बीमारी कोरोना वायरस की चल रही है वो ऐसा लगता है कि इमीडिएट उसका कुछ ख़त्म होने का अंदाजा नहीं है, दुनिया पूरी रुक गई है। अगर फर्ज करिए वक्फ बोर्ड इसमें एक मदद करता है तो मैं समझता हूँ खुलने के बाद भी लोगों को अपनी ज़िंदगी दोबारा चालू करने का मौका मिलेगा, उसके लिए उनको वक्त की दरकार है। अगर ऐसी हालात में हुकूमत तो मदद करिए मगर वक्फ बोर्ड बराबर आगे बढ़ के आना चाहिए, जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए वक्फ किया गया था उसके ऊपर पूरा पूरा अमल करना चाहिए। मुझे उम्मीद है के चेयरमैन साहब से, हुकूमत से और होम मिनिस्टर साहब से इंशाल्लाह इसके ऊपर वार फुटिंग पे काम करते हुए अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर बज़रूर वक्फ करेंगे। और मैं आवाम से अपील करता हूँ अपने अपने घरों में रहिए लॉकडाउन के अंदर, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहिए। आज वक्त है, चूँकि डे बाई डे यहाँ पर बढ़ते जा रहा है करोना वायरस का जो भी है, समझे कल 62 केसेस आए हैं जो अच्छी बात नहीं है, इसको स्प्रेड होने का डर रहता, इसके लिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, आपके तमाम चैनलों के जरिए दरख्वास्त करना चाहता हूं, अपने अपने घर में रहिए। आप चाइना से निकलकर सारी दुनिया में फैल चुका है और हमारे हिंदुस्तान में भी काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और इसकी वजह से काफ़ी लोग बहुत परेशान हैं। हम समझते हैं कि शायद इस 100 साल में कभी भी इतनी परेशानी नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं और ये लॉकडाउन की वजह से लोग बाहर नहीं निकल रहे और ज़रूरी भी है। मैं तमाम आवाम से भी अपील करता हूँ कि लॉकडाउन का एहतमाम करें, वो बाहर ना निकलें। आज मैं वक्फ बोर्ड ऑफिस आया हूँ, हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब सलीम साहब और उनके तमाम मेम्बरान और हमारे मुकामी MLA हमारे मेराज हुसैन साहब यहाँ पर एक 200 किट तैयार करके भिजाए गए, ये 2000 किट तैयार करके भिजाए गए, मगर ये पहला एक कंसाइनमेंट है। आगे जो भी जैसा भी होगा वक्फ बोर्ड की मीटिंग में तय करते हुए जितना हो सके यहाँ के गरीब आवाम को मदद करने के लिए वक्फ बोर्ड आगे बढ़ रहा है। और हुकूमत की जानिब से भी अभी मेरे भाई साथी ने कहा कि यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग हैं, तो हमारे CM साहब ने जिस दिन पहले दिन लॉकडाउन का ऐलान किया, कर्फ्यू का ऐलान किया, हेल्थ कर्फ्यू पहले दिन ही कैबिनेट में डिसीजन लिया गया। 87 लाख समर्पित राशन कार्ड, हर राशन कार्ड पर 1 महीने का राशन मुकम्मल फ्री देने का और 1500 रुपये, और बहुत से लोगों के पास राशन कार्ड भी नहीं है, उन लोगों के लिए रेवेन्यू कहते हैं ये सिविल सप्लाई कहते हैं। 87 लाख राशन कार्ड पर मतलब 87 लाख फैमिली पर हर एक को 1 महीने का मुकम्मल राशन, चाहे जिसके घर में 10 मेंबर हो 8 मेंबर हो हर आदमी पर 12 किलो के हिसाब से राशन दिया जा रहा है। उसके अलावा जहाँ तक हो सके हुकूमत ये करिए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है बहुत परेशान है उन लोगों को भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत रेवेन्यू का MRO के तहत BRO के तहत वहाँ पर उनको 500 रुपये और राशन भी दिया जा रहा है 8 किलो। और उसी तरह हुकूमत जो राशन कार्ड होल्डर को 1500 रुपये के अकाउंट में भी डाल रही, मगर ये चीज़ें डालने से कुछ नहीं होने वाला है। बहुत दुख की बात है, अफसोस की बात है, बहुत तकलीफ है हमारी आवाम में, जहाँ तक हो सके हुकूमत उनकी मदद करेगी और जो कई एक इदारे भी मदद करें। मैं सलीम साहब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब का और उनके मेम्बरान का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने एक पहला कंसाइनमेंट 2000 का भेजा। इंशाल्लाह वक्फ बोर्ड की मीटिंग के बाद जितना हो सके, मैंने अभी एक बात कही है वो भी कार्रवाई चल रही है, जितने इमाम और मौजन है उनके जो पैसे बैलेंस है वो भी इंशाल्लाह सलीम साहब ने कहा कि हम फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजाएं, मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से भी आज बात करूंगा, वो पैसे अगर उनको पहुंचाएंगे वो भी बड़ी मदद मिलेगी। यकीनन मैं तमाम आवाम से जो जो
अपनी तरफ से वेलफेयर से मदद करें उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन इस वक्त हमें हर एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है। हम जब लोगों से मिलते हैं तो हमारे आंख में आंसू आ जाते हैं। इतनी गुर्बत की जिंदगी, इतनी परेशानी की जिंदगी गुजार रहे हैं लोग बीमारी से। सारे हिंदुस्तान और सारे दुनिया के लोगों को नजर दिला हमारे स्टेट में भी हमारे साहब ने बहुत से प्रिकॉशन लिए। बहुत फास्ट ट्रैक में लोगों को रोका जा रहा है। मतलब जहां फैलने की जहां भी कहीं भी एक फैमिली में किसी को पॉजिटिव आता है तो पूरे उन जिन लोगों से मिल रहे हैं जहां जहां गए वहां तमाम लोगों पर प्रिकॉशन टेस्ट किया जा रहा है और ये पूरा हुकूमत से फ्री हो रहा है। और मैं खास तौर से कुछ लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं जो अदर स्टेट जाकर आए, पहले भी मैं प्रेस नोट में कहा जो हमारा तेलंगाना छोड़कर कहीं पर भी गए, चाहे दिल्ली बोलकर नहीं है, कहां पर भी बॉम्बे जाइए किसी और स्टेट पर जाके वो लोगों के लिए फ्री टेस्ट करने का आप हेल्थ डिपार्टमेंट 104 को फोन करेंगे, आपको ले जाकर 4 घंटे के अंदर ही गांधी हॉस्पिटल में टेस्ट किया जाता है। टेस्ट कराने से प्रिकॉशन होगा, आपके बच्चों का, आपका फैमिली का, आपके महिला लोगों का, तमाम लोगों का तहफ़ुज़ होगा। फिर एक बार मैं मीडिया के जरिए तमाम भाइयों से अपील करता हूँ कि आप कम से कम 4 फीट का डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, बहुत एहतियात कीजिए, जितना हो सके लोगों से हाथ मिलाएंगे तो इमीडिएट हाथ धोने की कोशिश कीजिए। और हुकूमत यही चाहती है कि इसको जितना हो सके रोकथाम की पूरी कोशिश की जा रही है, मगर जब तक आवाम प्रिकॉशन नहीं लगी वो रुकना नामुमकिन है। इसलिए तमाम आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप बहुत अच्छा ताउन करें और भी ताउन सब काफी हद तक कोरोना वायरस हिंदुस्तान में फैलने के लिए काफी हद तक कोरोना वायरस हिंदुस्तान। ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।